हाँ जी आपकी फैमिली कंडीशनर अप्लाई, कितने सारे कंडीशंस हैं इस फैमिली में? अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे, पर मुझे विश्वास है जिस तरह मैंने ट्रेलर देखा है बहुत एंटरटेनमेंट है। और आतिश कापड़िया एक ऐसा डायरेक्टर भी है, ऑथर भी है, मैंने उसके साथ बहुत काम किया है बाँ बहू बेबी में, थिएटर में भी, तो मुझे बहुत विश्वास है। उसकी ह्यूमर है ना एक पिक्युलर होती है, और तो मज़ा आएगा सबको। थैंक यू। वेरी सैड, वेरी सैड। एक देखिए, होली में वो जिस तरह से खेल रहे थे होली को, क्या होता है एज के साथ, शायद अभी हम तो जानते नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये एक हार्ट अटैक अभी हमारे इंडस्ट्री में कुछ इस तरह शुरू हुआ है। इंडस्ट्री में क्या, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड का तो हम जानते नहीं इतना सारा, पर अभी अभी जिस तरह से आर्टिस्ट जाते हैं, यंगस्टर भी जाते हैं हार्ट अटैक में, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब ये तो ईश्वर के हाथ की बात है, बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं सतीश जी की आत्मा को शांति मिले। एक उनको हमेशा कैलेंडर नहीं, एक अच्छा व्यक्ति भी बहुत याद किया जाएगा। बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत अच्छा नेचर था। अरे हम कैसे बोले कि नहीं देखना चाहिए? अगर नहीं देखना चाहिए तब भी बोलूंगा देखना चाहिए, ये तो कोई बोलेगा ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हैट्स ऑफ प्रोडक्शन का, कुछ भी प्रोडक्ट होगा वो देखने लायक ही होता है, फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक होता है। सिर्फ हैप्पी फैमिली नहीं, चाहे वो पुष्पा है, चाहे वो वागले की दुनिया है, कुछ भी है, और जो फिल्म बनाया है इन्होंने हैप्पी फैमिली, और भी बनाएंगी ये, तो मुझे पूरी उम्मीद है जेडी एंड आतिश कापड़िया कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट टुडे ऑन डेट, ऑल द बेस्ट। सतीश के साथ दो फिल्में की हमने, पुराना साथी हमारे थिएटर ग्रुप इप्टा में आए थे, नया नया जब एनएसडी से आए थे, अब उनके आज श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको नमन करता हूँ। एक फिल्म डायरेक्ट की थी उन्होंने, हवाई दादा, तीन बुढ़ों के ऊपर, जिसमें अनुपम, मैं और सतीश खुद एक्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक और उनकी कमर्शियल सिनेमा भी की हमने। थिएटर वर्ल्ड में तो हम लोग एक दूसरे को जानते ही थे, सिनेमा वर्ल्ड में बहुत कम जाने, लेकिन बहुत बड़ा डायरेक्टर हो चुका था वो कमर्शियली, ही वॉज मोर सक्सेसफुल। ए विंग में आते थे वो, पर वी लॉस्ट हिम। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, इस समय काफ़ी लोग निकल गए हैं, काफ़ी साथी लोग जो हमारे साथ में काम करने वाले, हमारे बाद में काम करने वाले, सब निकल गए हैं। देखिए जब काम कर सकता हूँ करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। आई होप पूरा एपिसोड देख करके यही उतना ही मज़ा आएगा जितना ट्रेलर में आया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने जितना मज़ा लिया है शूटिंग करके करते वक्त, आई होप दर्शकों को भी उतना ही मज़ा आएगा। कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट आपको लगा है पूरे शूट में? इतने सारे नए लोगों को मिलना,
और ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना जिन्हें मैं इतने साल से जानती तो हूँ लेकिन कभी काम नहीं साथ किया. फॉर एग्जांपल राज बब्बर जी, उनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ लेकिन उनके साथ काम करने का ये पहली बार मौका मिला है. या आयशा या अतुल कुलकर्णी, इट्स बीन मोस्ट फैबुलस, बहुत मज़ा आया. वेल माथेरान में वो शूटिंग की हम लोगों ने एंड मैं डरी हुई थी जैसा कि मुझे होना चाहिए था बिकॉज सीन में भी वैसा लिखा हुआ था. थैंक गॉड आई वाज़न्ट सपोज टू बी एन एक्सपर्ट हॉर्समैन और समथिंग, लेकिन मैं घोड़ों से कई बार गिर चुकी हूँ इसलिए मुझे बहुत शौक नहीं है घोड़ों का. क्या कहा जा सकता है, 66 सिर्फ इतना कुछ करना बाकी था, इतना कुछ कर सकता था, इतना कुछ किया है उन्होंने. वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड डेथ, ऐसे नहीं जाना चाहिए था सतीश को. बट क्या करें, उनकी फैमिली को हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि दे विल बी स्ट्रांग और उनको ये फेस करने की हिम्मत मिले. इट्स वेरी सैड. आई थिंक आई शुड जस्ट स्टार्ट बाई सेइंग कि जब हैट्स ऑफ कुछ बनाते हैं एंड व्हेन आतिश कपाड़िया इज क्रिएटिवली इन्वॉल्व्ड, इट इज गोइंग टू बी अ मैड राइड. उस लाइक आई डोंट हैव अ डाउट अबाउट इट, बट व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, मैं हमेशा उनका कुछ भी नया काम देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये कैसे कर लेते हैं. So that's my reaction and I'm super excited to watch the episodes. So yeah, that's... Oh yes, oh yes. When I read about it, my first thought, ek sabse pehla thought aaya tha dimag mein, that we lost our calendar. Kyunki unko usi naam se hum bachpan se जानते थे. तो यस, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी 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 सैड न्यूज़ एंड अ ग्रेट लॉस फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू हिज एंटायर फैमिली एंड बट आई एम श्योर हिज लेगेसी विल लिव ऑन थ्रू हिज वर्क. सो या थैंक यू. देख लीजिए, मैं यहाँ तक खींची चली आई हूँ देखने के लिए क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शन है उसमें, ऑब्वियसली मेरे अपने लोग भी हैं उसमें और बहुत मज़ेदार लगा मुझे वो. जितना मैंने देखा है फैमिली ड्रामा, मुझे लगता है वेब सीरीज़ में बहुत कम है ऐसे जो कॉमेडी शोज हों, वरना हमेशा क्राइम और ये सब देखने को मिल रहा है आजकल, लेकिन ये फॉर अ चेंज बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा लग रहा है. और ये कहूँगी कि उसके डायरेक्टर और राइटर मेरे मन पसंदीदा हैं, जैसे खिचड़ी और सारा भाई हम उनका देख चुके हैं. उसके बाद मैं तो इंतज़ार कर रही थी उनका नेक्स्ट काम कब आएगा और मैं उतनी एक्साइटेड हो रही हूँ जितना कि उन प्रोग्राम्स को देख के होती थी और आई होप कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेगा. जी जी जी, अभी कुछ क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, बस यही कहती हूँ कि बाकी सब कलाकारों से यही विनती है कि सब अपना ध्यान रखिए क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेस में आजकल हम लोग जी रहे हैं या जो भी खाना पीना हमें मिल रहा है,
जो भी हमारी सेहत पे उसका असर पड़ रहा है। मतलब मैं तो अपना दुख बयान इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी दो दिन पहले होली के दिन मैं उनसे मिली थी और हम एक ही लिफ्ट में इतने साथ रहे इतने लंबे टाइम तक जब तक वो अपने घर पहुँचे और मैं भी वहाँ तक पहुँची, तो हमारे बीच रस्ते में बातचीत भी हुई उनके साथ। और यकीन ही नहीं हुआ सुबह जब मुझे ये खबर मिली कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी दो दिन पहले एक आदमी था, एक आदमी हमारा अपना हमारे बीच था और आज पता नहीं, ये तो ऊपर वाले का खेल है, इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि सतीश जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी जो आज हम देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो माइलस्टोन जिन्हें कहना चाहिए कि जिन्होंने आधार रखा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को लेके, उसमें से सतीश जी एक सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में हमें दी हैं, बहुत सुंदर काम उनका हमने देखा है, उनसे हमने सीखा है कि टाइमिंग किसको कहते हैं, और आज वो नहीं है और मैं चाहूँगी कि भगवान उनको जल्दी हमारे पास वापस भेजे, किसी और रूप में भेजे। और क्या कह सकते हैं, बहुत दुख है। मेरी तो हैप्पी फैमिली है, मेरे पास तो डेफिनेशन ही डेफिनेशन है। मतलब अगर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हुए अगर फैमिली पूरी ज़िंदगी काट दे तो इससे अच्छी हैप्पी फैमिली कोई हो नहीं सकती। और मुझे लगता है अगर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तो भी वो हैप्पी फैमिली है मेरी वजह से, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे से फिर झूठ बोल रहे हैं क्या, अगर लड़ नहीं रहे तो लड़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो ज़्यादा लड़ते हैं वो ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, हक समझते हैं एक दूसरे पर, तभी तो डांट सकते हैं, तभी चिल्ला सकते हैं, अपने हक की डिमांड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हैप्पी फैमिली का मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट यही है कि एकदम प्योर रहो एक दूसरे के साथ और दिल खोल के अपने परिवार से बातें करो। और थैंक गॉड, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी हैप्पी फैमिली है। थैंक यू सो मच। दस, बिकॉज 10 एपिसोड है। नहीं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे हर फैमिली में होते हैं, हर फैमिली में हर बॉन्ड और हर रिलेशनशिप के बीच में अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो आपको संभालते हुए आगे रिलेशनशिप को बढ़ाना होता है। और वैसे ही हमारे शो में हर रिलेशनशिप में, चाहे वो दादी और पोती की हो, दादा और पोती की हो, मॉम एंड डैड की हो, जो भी है, उसमें हर हम एक संभालते हुए आगे चलते हैं अपनी जनरेशन को, अपने टाइम को साथ रखते हुए। और आई थिंक हमारी शो में कुछ हमारे हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई में कुछ ऐसे कंडीशंस अप्लाई जो होते हैं वही तो मस्ती है, दूसरा तो हैप्पी फैमिली सबकी होती है। किस तरीके का आपका किरदार है, प्लीज बताइए। तो मेरा जो किरदार है उसका नाम आयुषी है, वो घर की छोटी बेटी है। तो वो जैसे आई थिंक सबसे छोटे जो होते हैं घर के थोड़े स्पॉइल्ड होते हैं, तो वैसे वो भी थोड़ी सी स्पॉइल्ड है। वो आतिश तो जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं आतिश कपाड़िया जी, उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दिया था कि वो अपने दादा और दादी की मिक्स है, उसमें अपने दादा की समझ है, उसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग है और अपनी दादी का जो एक बोल्डनेस, एक सही, मतलब जो बोलना है, जो मन में आए जैसे बोलना है कह देना वैसा है। वो अपनी दादी को भी डांटती है, डैड को भी डांटती है, और वो आज की जनरेशन की है, जिसे हम आई थिंक आज जनरेशन जी बोलते हैं, वो जनरेशन जी है। तो उसकी जो आवाज़ है वो आज की है, वो हर बात पे बोलती थी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये कितना इनअप्रोप्रिएट है या ये कितना गलत है, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, जो आई थिंक आज की हमारी जनरेशन, जो हम जिस तरह से सोचते हैं और एक फ़र्क है हमारे पेरेंट्स की सोच में और एक जनरेशन गैप, तो वो उस जनरेशन गैप का एक क्लियर पाथ है जो आई थिंक, तो ये हम यूथ फैक्टर है हैप्पी फैमिली का। आई थिंक ये मज़ा, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जो भी को एक्टर्स हैं, एक तो इतने दिग्गज, इतने अमेजिंग परफॉर्मर्स के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली परफॉर्म करने की। हर कोई जो था, चाहे वो राज सो हो, रत्ना मैम हो, अतुल सो हो, आयशा मैम हो, वो हर कोई अपने साथ एक अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग, एक अलग स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ला रहा था, और फिर भी हर अपने अपने स्कूल में वो इतने ज़्यादा अमेजिंग थे कि मुझे उससे बहुत लर्न करने को मिला। पर मैं कहूँगी कि आतिश कपाड़िया जी, जो हमारे डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटर हैं इस शो के,
उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स के बारे में इतना क्लियर हैं, इतना डिफाइंड हैं, और उनके साथ उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके उनके कैरेक्टर को लाइफ में लाना मुझे बहुत मज़ा आया। जी 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 जी, आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में, कौन कौन से किरदार के नाम से आप उनको याद करते हैं? मेरे लिए सतीश अंकल जो हैं वो हमेशा से, मतलब मैं उनको बचपन से जानती हूँ क्योंकि वो डैड के साथ काम कर चुके हैं, और वो डैड के साथ तो मैं बहुत छोटी थी आई थिंक जब डैड और सतीश अंकल ने फिलिप्स टॉप 10 करके एक शो किया था, सो उसकी वजह से उन मेरे लिए, और वो मेरे लिए हमेशा एक अंकल की तरह रहे हैं, तो मैंने उन्हें कभी ऐसे, मतलब कैलेंडर तो बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर इंडिया ऐसा शो, ऐसी फिल्म थी जो हम बचपन में देखकर बड़े हुए हैं, तो उसमें वो एक कैरेक्टर मेरे साथ था, पर मेरे लिए वो हमेशा एक एक्टर से ज़्यादा एक अंकल रहे हैं, एक फैमिली फ्रेंड रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ में इतनी खुशी लाते हैं। एंड आई एम रियली सैड दैट टुडे ही इज़ नॉट विद अस एनीमोर, बट आई नो दैट वेयर एवर ही इज़ ही इज़ ब्रिंगिंग ब्राइटनेस। Thank you so much. Being happy is more important than anything, and therefore and I think a family does make you happy. If it's working well, it's the best thing that can happen, and I'm sure with Atish and JD they must have made this a very happy family. So I'm looking forward to seeing this very much. Today we also heard a bad news about, yes, Satish, sir. What you would like to say, sir? Well, he was a dear friend of mine, us, living in the same building as us. It was difficult for us to make it here because we were attending his funeral before this, but it's a big loss for me personally as a friend and for the industry that he was such a fine talent. So we are all going to miss him. And it's going to be quite a loss. Yeah, this will be a vacuum. A irreparable loss at all. I don't think that we are going to find another actor to fit that. Actor, director, yeah, writer. That category himself. Of work. We will certainly miss him. We will miss him, and it was too sudden. Honestly, I think it's very difficult for us to even say something about it right now. Our heart goes out to the family. So, ma'am, any more surprises from your side, any new project, any new surprise, a new character? I think after what we have spoken about, we would not like to talk anything more about it. But I'm sure you'll see some of us coming again. Thank you. Okay, thank you so much. सुनिए, स्क्रीन टू में शुरू करवा जाता हूँ, हम लोग दोनों आते हैं।
हैप्पी फैमिली नहीं, हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई. इट्स अ वेरी वेरी देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन एंड कंडीशन अप्लाई इज एक्चुअली द हिडन टाइटल. सो हैप्पी फैमिली तो सारी होती है लेकिन कंडीशंस होती है हैप्पीनेस की. एंड यही आई एम सो ओके. सो आतिश एज आतिश कपाड़िया जो इज हु इज अ मेकर ऑफ खिचड़ी टू बाबू और बेबी टू सारा भाई वर्सेज सारा भाई. सो फॉर हिम ही हैज अ मिडास टच. ही इज सो टैलेंटेड एट एनीथिंग ही टचेस टर्न्स इनटू गोल्ड. वेदर इट इज अ डेड स्क्रिप्ट और अ डेड एक्टर और अ नॉन एक्टर, दे ऑल स्प्रिंग टू लाइफ. And believe me, he has actually given a long lease of life to so many actors. And he is so good. And I'm very happy. See, also this Hats Off as a brand was extremely famous and extremely and is always active in big screen and in small screen. But this time on web or an OTT platform, Hats Off is coming with their first product, which is Happy Family Conditions Applied. Completely a Hats Off pun intended wala title hai and I'm sure it's going to rock it. Trailer dekhne ke baad puri series dekhne ke liye excited, very excited. Aur sabko pata chalna chahiye, you know, like kabhi kabhi itni slow baatein dheeri baatein, it's not necessary ki wo achhi ho. Sorry, ek minute, dekho ek condition apply. हाँ, सो मैं ये कह रही हूँ कि हर बात में, हर चीज़ में, फ्रॉम कॉटन सारीज टू रियलिस्टिक लोकेशंस टू धीरे धीरे आराम आराम से बोलना, ज़रूरी नहीं कि वो ही एक सच्चा काम हो या अच्छा काम हो. आप इनका काम देखना. नाउ इट्स दे आर कमिंग विद द राइट प्रोडक्ट ऑन OTT. यस, इट्स अ बिग लॉस. इट्स अ बिग बिग लॉस. It is a big loss. He was a veteran. At the same time, he was he's a great actor. He was a great director, and he was a great guy to work with. Always laughing, always smiling, always very, very, very positive. So, उनसे तो मैंने एक ही चीज सीखी है कि एक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता, स्क्रिप्ट छोटी या बड़ी नहीं होती, फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, एक इंसान छोटा या बड़ा होता है. So that's what Satish ji has always taught.
वेरी एक्साइटेड सी एनी प्रोडक्ट ऑफ हैट्स ऑफ आई एम वेरी एक्साइटेड ऑलवेज बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दे ऑलवेज गिवन अस इट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड यू नो समवेयर एवरी प्रोजेक्ट ऑफ हैट्स ऑफ इट टचेज यू नो a common man, you know, a family somewhere. So I'm looking forward to meet the Dholakias. And I'm a big fan of Atish Bhai, his sense of humor. So yeah, I'm here today to support and to be a part of the celebration. Well, Sati, you know, today is a very big news. Sati, what would you like to say? Actually, I was shooting and I met this, so a little, you know, it took a... इट्स यू नो कि एक थोड़ा वो हो गया मैंने कहा सर एक सेकंड रुकते हैं तो बोले क्या हो गया आई सेड सर मतलब ऐसे व्हाट आर यू सेइंग सो एंड आई वाज शूटिंग सम ऑफ द सैड सीक्वेंस ओनली तो बट इट इज़ सो शॉकिंग इट इज़ सो डिस्टर्बिंग ऑल्सो यू नो हिल जाता है आदमी व्हेन यू सी समवन हेल्दी यू नो उनका मैंने देखा ही प्लेड होली एंड सो लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल आई जस्ट यू नो आई वॉन्ट टू चिल इन लाइफ आई वॉन्ट टू एन्जॉय आई वॉन्ट टू बी हैप्पी I don't want to run behind all this materialistic stuff. I just want to be happy, you know, because it's very, very sudden and very shocking. So, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. जितने मेंबर्स हैं उतने कंडीशंस हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ट्रेलर में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इतने कलरफुल लोग हैं इतने अतरंगी किस्म के लोग हैं तो काफ़ी काफ़ी कंडीशंस हैं शो में एवरीवन इज सेइंग कि बहुत ही एंटरटेनिंग और फन लविंग टाइप का शो लग रहा है बहुत टाइम से नहीं आया जो अब कलर सीरीज में बहुत सब सीरीज चल रहे थे तो इट्स टाइम फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट जब पता चला कि ऐसा कुछ किरदार निभाना है ऐसी कुछ स्टोरी है तो कैसा था आपका रिएक्शन बहुत सरप्राइज था मैं क्योंकि एक्चुअली ये मेरा बॉम्बे में हिंदी सिनेमा मतलब हिंदी कॉन्टेंट में मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे ये इस तरह का कैरेक्टर मिला है इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ और इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मुझे चांस मिला सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड इंडस्ट्री तो इट इज सैडनिंग एंड आई डोंट नो व्हाट मोर टू से बट बहुत दुख की बात है जो भी हुआ है या आई थिंक द सेम थिंग ऑब्वियसली हम सब ने बचपन से उनको देखा है स्क्रीन पे कैलेंडर ऑब्वियसली जो हमारा आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट मेमोरीज ऑफ हिम वुड फॉर ऑल ऑफ अस आवर एज वुड बी कैलेंडर फ्रॉम मिस्टर लाइक आवर सीरीज इज आल्सो फन एंड कॉमेडी बेस्ड एंड ही हैज बीन देयर सिंस एवर ही इज अ वेटरन इन दैट So, एक कनेक्शन एक फील होता है कि हां ही हैज एंटरटेन पीपल एंड मेड अस लाफ एज किड्स आल्सो So yeah, we just pray for the family. I hope they find peace soon. And yeah, it's we're very sorry. Any message to all the viewers for happy family conditional apply. बस कल से ये family आपके phones में, laptops में, TVs में सब जगह से available होगी. तो देखना ना हमारी family के साथ साथ आप सबकी family भी happy होने वाली है because everyone is going to have smiles on their faces. Now. Yeah. So happy family conditions apply only on Prime Video. Thank you. Thank you.
I'm very excited. First of all, this team of Hats Off Production, JD, Atish, they are super rocking, you know. So whatever they make, I know it's going to be very hilarious. And I came running, left my show, matlab, I told them, leave me, I want to see this. I'm very excited to see this. Team, na, Atish, ek to casting is superb. All the actors are fantastic. And I'm sure आतिश एंड जेडी सब लोग हैं तो उन लोग ने कुछ धमाके जारी किया होगा बिकॉज आई डिड खिचड़ी विद देम आई डिड बाब ओवर बेबी विद देम सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड व्हाट दे हैव डन नाउ इट्स वेरी वेरी सैड मतलब मॉर्निंग जब मैं शूट पे जा रही थी तो मुझे पता चला एंड आई वर्क विथ हिम आई हैव डन फिल्म विथ हिम एंड ही इज लाइक अ फैमिली इट्स वेरी शॉकिंग यू नो आई कैन जस्ट से कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है बिकॉज ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर फैंटास्टिक ह्यूमन बींग फैंटास्टिक डायरेक्टर फैंटास्टिक प्रोड्यूसर गॉड ब्लेस हिम मे ही सोल रेस्ट इन पीस एंड आई कैन से गिव स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट थैंक यू बहुत ही पसंद आया और मेरे लिए आतिश एंड जेडी आर मोर फ्रेंड्स फैमिली देन एनीथिंग एल्स एंड मोर ओवर माई डॉटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द शो बिकॉज शी इज विथ इन द टीम ऑफ आतिश कापड़िया सो यस इट इज़ डबली यू नो फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी और मैंने इन लोगों के साथ इतना काम किया है और हम सब गुजराती थिएटर के हैं सो वी हैव द सेम काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर So I know what kind of a show it must be, you know. मतलब हमने किन किन तरह से उनको देखा है नॉट ओनली एज अ डिरेक्टर बट एज एन एक्टर पहले से कैलेंडर मतलब यू कैन ओनली थिंक ऑफ हिम यू नो एंड ही वॉज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बींग एंड 66 इज नो एज टू गो बहुत छोटी उम्र है 66 आई एम श्योर उनको बहुत कुछ करना बाकी था लाइफ में इट्स वेरी सैड सभी के लिए बस आप अच्छे शोज देखते रहिए और हमें इसी तरह से गिव अस ऑल द यू नो लाइक वील बी सो हैप्पी टू डू बेटर वर्क यू नो एंड आई एम श्योर कि ये शो तो सबको बहुत ही पसंद आएगा और टीवी और ओटीटी दोनों के बीच में थोड़ी कंपटीशन भी है कि टीवी वाले फेसेस नहीं चाहिए ओटीटी को तो ऐसा मत रखिए वी कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस थैंक यू Thank you.
नहीं रे, बड़ा है। बहुत पुराने खिचड़ी के जितने हैं ना, खिचड़ी साल Family Condition Supply is a wonderful, wonderful, wonderful show which bonds families together. It tells us a lot about how everybody's family is so important. And I think that the bond that we have with our families, the with all the ups and downs, highs and lows, we have the Dholakias in Happy Family Condition Supply, where we are an obnoxious family. We are a dysfunctional family. And how we cope with all the idiotic stuff of daily lives. And this is what we really expect from Happy Family. But saying that, on a serious note, I would say that it also tells us about the bond that we have with each other, and in spite of all the problems, how we love each other and how we are together with each other. मुझे बेहद बेहद दुख हुआ है ये खबर सुनकर, क्योंकि मैंने सतीश जी के साथ काम किया है. मैं उन्हें पर्सनली भी अच्छी तरह जानती थी और एक बहुत कनेक्ट ऐसा था कि जब भी हम मिलते थे ऐसे लगता था कि उनका एक टिपिकल वे था, यू नो, जिस तरीके से हम बात करते थे. आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट इट्स एक्सट्रीमली सैड टू लूज समवन लाइक हिम. वो हमारी इंडस्ट्री, जो हमारी हैप्पी फैमिली है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं. और इतना कहना चाहूँगी कि वो हमारे यादों में, हमारे जहन में हमेशा हमेशा रहेंगे. भगवान उनकी फैमिली को शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे कि हम इस लॉस को किसी तरह से सह सकें. बट इट्स अ ग्रेट लॉस.